हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग बात करते हैं फूड सिक्योरिटी सिस्टम के पहले एलिमेंट के बारे में जिसका नाम है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक के मीनिंग के अलावा आइए आज के लेक्चर से जानते हैं कि आखिर हमारे कंट्री की गवर्नमेंट बफर स्टॉक क्रिएट ही क्यों करती है। फ्रेंड्स, इंडिया में ऐसे बहुत से रीजन्स हैं जहाँ वीट और राइस की प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा होती है। ऐसे रीजन्स के फार्मर्स को हमेशा ही एक डर लगा रहता है कि हार्वेस्ट के बाद वीट और राइस का इतना सारा प्रोड्यूस मार्केट में सेल हो भी पाएगा या नहीं। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फार्मर्स को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर वो चाहें तो हार्वेस्ट के बाद अपना प्रोड्यूस गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। परंतु गवर्नमेंट ऐसे केसेस में एक कंडीशन रखती है कि अगर इन फार्मर्स को गवर्नमेंट को अपना प्रोड्यूस सेल करना है तो उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ही सेल करना होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोस्तों उस प्राइस को कहा जाता है जो हमारे कंट्री की गवर्नमेंट हर साल सोइंग सीजन से पहले डिक्लेयर करती है। अगर फार्मर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हैं तो उन्हें एक भरोसा रहता है कि हार्वेस्ट के बाद मार्केट में उनका प्रोड्यूस बिके या ना बिके, उन्हें उनके हक का एक मिनिमम प्राइस जरूर मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वीट और राइस को खरीदने के बाद आखिर करती क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वीट और राइस को ग्रैनरीज में स्टोर करती है। इसी को हम बफर स्टॉक कहते हैं। बफर स्टॉक को इसीलिए क्रिएट किया जाता है ताकि एडवर्स वेदर कंडीशंस में फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और मार्केट से भी कम प्राइस पर यानी कि इशू प्राइस पर पुअर लोगों के बीच वीट और राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। आज के लेक्चर में हमने बफर स्टॉक से रिलेटेड जो पूरा प्रोसेस डिस्कस किया है, जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पूरे प्रोसेस को एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पूरा करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनफैक्ट अगर आपको कभी भी दिल्ली विजिट करने का चांस मिले तो वहां पर आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ग्रैनरीज को विजिट कर सकते हैं। आई एम श्योर आप सबको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।